एक गांव में गंगम्मा नाम की एक औरत रहती थी। गंगम्मा को उस गांव में और आसपास रहे सभी गांव में पुराने जमाने की औरत कह के बुलाते थे। थोड़े गांव वाले आज की पीढ़ी के लिए अच्छा और बुरा कहने वाली बड़ी औरत कहकर बुलाते थे। कोई कुछ भी कहे, उसके रीति रिवाज बहुत पुराने तरीकों में रहते हैं। इसलिए गैस सिलेंडर और इंडक्शन स्टोव आए इन दिनों में भी अच्छे से उसके पिछवाड़े में गाय के गोबर से खली बनाकर उन खलियों को चूल्हा में रखकर खाना बनाती थी। यह विषय के बारे में उसका बेटा कितना बार कहने पर भी पता है उसके बेटे से वो क्या कहती थी? मुझे इस चूल्हे में खाना मत बनाओ करके कितने बार तुम बोलने पर भी कोई लाभ नहीं है बेटा। मैं अपने 11वीं साल की उम्र में मेरी माँ मर जाने के बाद मेरी दादी ने मुझे इस पे खाना पकाना सिखाया है। अभी वो दिन नहीं रहे और वो बड़े लोग भी नहीं रहे। अभी मैं भी उन रीति रिवाजों को बाजू रखने से उनके दिए यादें मिट जाएंगे बेटे। हर रोज इस चूल्हे पर खाना बनाते समय मुझे लगता है मेरी दादी खाना बनाना मुझे सिखा रही है बेटा। अभी तुम सब के लिए मैं सब वो क्यों छोड़ दूं बेटा। ऐसे कहने पर माँ को उन पुराने रीति रिवाजों से रहे इमोशनल बॉन्डिंग पता चलने पर और एक बात भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। इस तरह गंगम्मा उसके रीति रिवाजों से हर एक को उसकी पुरानी यादों से बांधकर संवेदनाओं का आनंद लेती है। इस तरह दिन बीतते गए। उसके बेटे के लिए सिटी में पैदा होकर बड़ी हुई रिश्तेदारों की लड़की से शादी करती है। बहू का नाम है रम्या। ससुराल आने के बाद सास गंगम्मा से पीने का पानी के लिए ऐसे पूछने लगी, ये क्या सासू माँ, यहाँ मिनरल वाटर नहीं है क्या? क्यों नहीं बहू, हमारे पिछवाड़े में है ना, मेहंदी पीसना चाहती हो क्या? अरे सासू माँ, ये पीसना पीसना नहीं, पीने के लिए मिनरल वाटर नहीं है क्या? नहीं बहू, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं मिलेगा। हमारे गांव के पास रहे नदी से लाए पानी को छान के रखी, बहुत मीठे रहते हैं। छी, ड्रिंकिंग वाटर विदाउट फिल्टर, यैक, ऐसे नफरत से कहती है। इस तरह जब से उस घर में आई है उस दिन से सास के पुराने रीति रिवाज ना पसंद आने पर बार बार नफरत करने लगती है। एक बार रम्या वॉमिटिंग करते समय गंगम्मा जाकर ऐसे पूछने लगी, बहू कोई खुशखबरी है क्या, वॉमिटिंग कर रही हो? छी, नो, कहीं से गंदी बदबू आ रही है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसे कह के नाक सूंघ रही थी। तब गंगम्मा ने, हो ये बात है, मेरे बालों में आरंडी का तेल लगाई बहू। ये तेल को लगाने से बाल बहुत काले रहेंगे और गर्म रहे दिमाग को ठंडा करेगा। ओह याक, डर्टी, ये बदबू आपके बालों से आ रहा है क्या? ऐसे कहकर सांस को बहुत नफरत करती है। इस तरह हर रोज किसी न किसी तरह सांस के किए हर एक काम को वो शहर से आई बहू कुछ न कुछ कह के अपमान करती रहती है। एक दिन पड़ोसन पंकजाक्षी गंगम्मा से ऐसे कहने लगी, ये क्या भाभी, तेरी बहू ऐसे कह रही है, सास से ऐसे ही बातें करते हैं क्या? उसे कुछ भी पता नहीं भाभी, वो अभी छोटी है, वो शहर में पैदा होकर बड़ी हुई। मेरी बहू की माँ मेरी बुआ की आखिरी बच्ची है, वो मुझे बहुत पसंद करती है, इसलिए वो उसकी बेटी को मेरे घर की बहू बनाई। बहू अभी बहुत छोटी है ना, इसलिए ऐसे कह रही है, धीरे धीरे वो सब समझ लेगी भाभी। ऐसे कह के उसके बहू के बारे में किसी को भी कुछ भी कहने नहीं देती। इस तरह दिन बीतते गए। एक बार रम्या की माँ रुक्मिनी गंगम्मा के घर आती है। तब गंगम्मा से ऐसे कहने लगी, देखो भाभी, बच्चों के शादी होकर बहुत महीने हो गए, शादी के दिन तू मेरे घर आई पर वो भी रात को वापस चली गई। इससे पहले भी मैंने तुम्हें बहुत बार अपने घर बुलाया पर तू तो नहीं आई, लेकिन अभी तो तुझे आना ही होगा भाभी, हमारे गृह प्रवेश को पहले ही आना होगा। ऐसे बहुत प्यार से बुलाने पर गंगम्मा कुछ ना कह सकी और बेटे के साथ मिलकर शहर में रही बहू की मायके के घर पहली बार जाती है। वहाँ एक दिन बीतने के बाद गंगम्मा ऐसे बोलने लगी, घर के पिछवाड़े में रहे गाय हमारा है क्या?
हाँ भाभी, गृह प्रवेश होने के बाद पंडित जी को दान देने के लिए मंगवाए। बहुत अच्छा काम किए भाभी, उस गाय का काम मैं देख लूंगी। गाय के गोबर से खलिया बनाकर जलाने से हमें प्राण वायु की कमी नहीं रहेगी भाभी। तब रुक्मिनी हंसते हुए, ठीक है भाभी, तुम्हें जो चाहिए वो करो, तुझे मुसीबत लगने से छोड़ दे। ऐसे रुक्मिनी कहने पर गंगम्मा गाय के पास जाकर पूरा साफ करके उसके गोबर से खलिया बनाती है। इतने में रम्या वहाँ आती है। Oh my God, what the shit, my car! ऐसे कहती है। वहाँ देखने पर खलियों से दीवारें पूरा भरने पर, खलिया मारने के लिए जगह ना रहने पर, रम्या बहुत उत्साह के साथ खरीदी महंगी कार पर भी गंगम्मा खलिया मार देती है। तब रम्या ने, What is this, सासुमा? आपका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं? आपको पता है ये क्या कितना कॉस्टली कार है? उसके ऊपर ये गंदी गोबर से खलिया मारे। ऐसे कहकर सास को बहुत डांटती है। इतने में रम्या की माँ रुक्मिनी वहाँ आती है। सास को डांट रही बेटी को एक थप्पड़ मारकर ऐसे कहने लगी, दांत निकाल दूंगी गधी, मेरी भाभी को और एक बात बोलने से, उसे शहर में कैसे रहना है पता नहीं, उसकी दुनिया अलग है। तू जो मुंह में आए वो बकने लगी, क्या तुझे बड़ों को मर्यादा देना नहीं आता? तुम बार बार डर्टी विलेज डर्टी पीपल क्यों कह रही हो? मैं भी उसी डर्टी विलेज से आकर तुझे पैदा की और बड़ा की, अब क्या हुआ? तेरा फेवरेट कार खराब हुआ, इतना ही ना? उस कार को तुम कितने बार डेंट करके आई, कितने बार तेरे पापा उस कार को पेंटिंग कराए? अभी मेरी बाबी सिर्फ खलिया मारी, उसके लिए कार वॉश करने से बस है ना? ऐसे गुस्से से कहकर बेटी को रिश्ते के बारे में क्लास देती है। आखिर में उसकी बेटी से ऐसे कहने लगी, ऐसे लोग रहने तक ही हमारे पूर्वजों के रीति रिवाज, उनकी महानता, उनकी संस्कृति ये पीढ़ी को पता चलेगा, उनके बाद हमें उसके बारे में बताने के लिए कोई नहीं रहेंगे। ऐसे कहने पर उसकी गलती का एहसास होकर सांस से माफी मांगती है। इस तरह गांव की गवार सांस के किए काम के वजह से सिटी की बहू में बदलाव आता है। मैहर नाम के गाँव में पार्वती नाम की एक महिला रहा करती थी। उसके तीन बेटे थे और तीनों में दो दो साल का अंतर था। तीनों की शक्लें एक दूसरे से मिलती जुलती थी। तीनों बिना किसी समस्या के सौहार्दपूर्ण ढंग से रह रहे थे। इस तरह काफी समय बीत गया। अब वे शादी की उम्र में आ गए थे और तीनों की एक के बाद एक शादी करानी थी। तब पार्वती ने बड़े बेटे राघव के लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर उसका विवाह कर दिया। शिवानी अपने सौंदर्य के प्रति बेहद जागरूक थी। वो मेकअप के पीछे पागल थी, इतनी कि नहाने के लिए जाते समय भी वो हल्का मेकअप करके जाती थी। ससुराल में आने के बाद भी उसने अपनी ये आदत नहीं छोड़ी। एक दिन सास ने शिवानी से कुछ यूं कहा, बहू शिवानी रसोई में चाय है, क्या तुम मेरे लिए ले आओगी बहू? जब उसने कहा तो शिवानी ने एक कप में चाय डालकर अपनी सास को दे दी। जब सास ने चाय का एक घूंट भरा तो बोल पड़ी, अरे ये क्या बहू, चाय तो एकदम ठंडी है। नहीं की सासुमा गरम, क्योंकि मेरा चार्जिंग फैन काम नहीं कर रहा है और मैं बिना पंखे के किचन में नहीं जा सकती, क्योंकि अगर मैं किचन में ऐसे ही चली जाती तो मेरी स्किन खराब हो जाती। उसने बड़ी लापरवाही से ये जवाब दे दिया। तो इस तरह शिवानी ऐसा जो कोई भी काम उसके मेकअप को खराब कर सकता नहीं करता। सास अपनी बड़ी बहू से जरा परेशान थी। कुछ ही दिनों में उसने अपने दूसरे बेटे की शादी कीर्ति नाम की लड़की से कर दी। अब कीर्ति टीवी के पीछे पागल थी। वो जब बीच में विज्ञापन आते तभी अपनी टकटकी टीवी से हटाती थी, वरना उसका ध्यान टीवी देखते हुए कोई भंग नहीं कर सकता था। एक दिन की बात है, बड़ी बहू शिवानी ब्यूटी पार्लर के लिए गई हुई थी और पार्वती खाना खा रही थी। पास में पानी नहीं था। उसने अपनी दूसरी बहू कीर्ति को आवाज दी जो टीवी देख रही थी, बहू कीर्ति यहाँ ग्लास में पानी नहीं है, बहू जरा मुझे थोड़ा पानी देना। कीर्ति टीवी देखने में तल्लीन थी और पानी लेकर
अपनी सास के पास आधे घंटे के बाद पहुंची। लीजिए सासू माँ, आपने मुझसे पानी मांगा था ना? लाई हो? आ, मूर्ख थी, मैंने तुमसे पानी मांगा। मुझे हिचकी आ रही थी बहू, और मुझे तुरंत पानी चाहिए था। तुम तो आधे घंटे बाद आकर पूछ रही हो। तुम्हें क्या करती सासू माँ? टीवी मुझे एकदम डूब कर देखने की जो आदत है। सीरियल में आपको पता है पत्नी अपने पति को ढूंढ ही नहीं पा रही थी, इसीलिए आपको भी पानी मिलने में देर हो गई। तो पार्वती की दोनों बहुओं का मामला बिगड़ा हुआ था। अब तीसरी बहू आई जो महापेटू थी। तो तीनों एक से बढ़कर एक थी और पूरी दुनिया को इसकी खबर हो गई थी। पार्वती उनकी आदतों के कारण उन पर चिल्लाती रहती थी और आखिरकार उसे शुगर, बीपी और भी कई तरह की बीमारियां हो गई। एक दिन की बात है, राघव अपनी माँ को हॉस्पिटल से घर लेकर आया और शिवानी से इस तरह बोला, शिवानी सुनो, माँ को ले जाकर लिटा दो, उसका बीपी थोड़ा हाई है, नमक और मसाला कम कर दो और उसे तला हुआ बिल्कुल नहीं खिलाना, उसके खान पान का पूरा ध्यान रखो तुम, उसने कहा। तब शिवानी ने ले जाकर अपनी सास को लेटा दिया और क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, उसे रसोई में जाना पड़ा। रसोई में गर्मी के कारण उसका मेकअप खराब होने लगा। तब उसने सोचा, ओ मेरा सारा मेकअप बिगड़ जाएगा, जब तक किचन में अपना काम पूरा करूंगी तब तक मेरा सारा मेकअप ही उतर जाएगा, आगे से मैं कीर्ति से इसको करने के लिए कहूंगी। उसने तुरंत अपनी छोटी देवरानी कीर्ति को बुलाया और उससे बहाना बनाकर बाकी खाना बनाने के लिए कहने लगी। तो कीर्ति बोली, ठीक है दीदी, अभी सीरियल शुरू होने में 20 मिनट बाकी हैं, तब तक मैं खाना बना लूंगी, आप फिक्र मत करो, उसने कहा। लेकिन उसने जब खाना बनाना शुरू किया तो सब्जियां काटने से शुरुआत थी और उसमें उसका ज्यादातर समय निकल गया। फिर सब्जी पकाने के लिए उसने सबसे छोटी बहू को बुलाया और उससे कहने लगी, देखो बहन, मेरा सीरियल शुरू ही होने वाला है, अब ऐसा करो कि तुम बना लो। हाँ, उसने कहा और जल्दी से चली गई। अब पार्वती की तीसरी बहू जो महापेटू थी, उसने अपनी पसंद के अनुसार ही पकाया और जब सभी दोपहर का भोजन करने बैठे तो पार्वती को भी छोटी बहू का बनाया मसालेदार खाना खाना पड़ा और इससे उसका बीपी बहुत ऊपर चला गया और वो वहीं बेहोश हो गई। तुरंत राघव को उसे फिर अस्पताल लेकर जाना पड़ा। वहां बहुओं के बर्ताव से परेशान पार्वती ने अपने बेटे से यूं कहा, अरे बेटा, क्या मैं इस बार घर वापस आ पाऊंगी? तीनों बहुओं के अपने अपने पागलपन है, मैं जाकर अपनी बहन के साथ रहना चाहती हूँ, कुछ दिन उन लोगों से दूर। पार्वती अपनी बहुओं से त्रस्त होकर अपनी बहन के घर रहने चली गई और उसे अपनी बहुओं के बारे में बताने लगी। हाँ दीदी, तीनों ने मुझे इतना परेशान किया, मेरी तबीयत का बुरा हाल कर दिया। सच दीदी, इसीलिए भागकर तुम्हारे पास आना पड़ा। तुम्हारे मेरे पास आने का मुझे बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर तुम उनसे दूर भागती रहोगी तो वे अपनी जिम्मेदारियां कैसे समझेंगी? मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें सबक सिखाओ। तुम चाहती हो कि मैं उन्हें क्या सिखाऊं? सबक? लेकिन कैसे? जरूर संभव है कि तुम उन्हें सबक सिखाओ। उसने अपनी बहन को सारी योजना बताई, जिसे सुनकर पार्वती की तो बाछी खिल गई, वो आत्मविश्वास से भर गई। लेकिन उसके घर जाने से पहले उसकी बहन ने राघव से एक झूठ बोला। ये सुनकर बड़े बेटे ने घर आकर तीनों बहुओं को खड़ा किया और उनसे यूं बोला, घर में सभी को माँ का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि माँ गिर गई थी और उसके सिर पर चोट लग गई थी, अब उसे कुछ भी याद नहीं रहता, इसलिए हमें उसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी होगी और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। बेटों को बताने के अगले दिन पार्वती को वापस घर लाया गया। सास ने भी एक ही बात को बार बार कहकर और एक ही बात को बार बार दोहराकर अच्छा अभिनय किया और उन्हें विश्वास दिला दिया कि उसकी याददाश्त कमजोर हो गई है। और फिर एक दिन
आज मैं करने वाली हूँ घर का काम, उसने कहा। ये सुनकर तीनों बहुओं ने सोचा कि तब तो सारे दिन वो अपने शौक पूरे करेंगी। सास ने घर के सामने पानी का छिड़काव किया और रंगोली डालने के लिए उसने बड़ी बहू की मेकअप किट उठा ली और छिड़कने लगी, और इस तरह शिवानी का बेहद महंगा मेकअप किट पूरा खराब कर दिया। कुछ समय बाद जब शिवानी को पता चला कि उसकी सास ने उसके महंगे मेकअप किट के रंगों से रंगोली डाली है, तो वो पार्वती पर, आपने इसे रंगोली के लिए क्यों इस्तेमाल किया सासुमा, और मेरी किट के सारे रंग इधर उधर करके खराब कर दिए, अब मैं इसे अपने चेहरे पर लगाऊंगी तो सारी त्वचा खराब हो जाएगी। मैं क्या करती बहू, मेरी याददाश्त कम होने के कारण मैंने सोचा कि ये रंगोली का पाउडर है और इसका इस्तेमाल कर बैठी, आगे नहीं करूंगी। आपको घर का कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी अब से। तो बड़ी बहू की अकल तो ठिकाने आ गई। फिर एक दिन सबसे छोटी बहू ने अपने लिए खूब अच्छी सी मिठाई बनाई। सास ने किचन में आकर मिठाई के ऊपर मिर्ची पाउडर और नमक छिड़क कर खराब कर दी। ये देखकर छोटी बहू के होश उड़ गए। ये क्या सासू माँ, मिठाई पर नमक और मिर्च डाल दिया आपने, आपकी याददाश्त सच में एकदम चली गई है। फिर कभी रसोई में आने की कोशिश मत कीजिएगा और नहीं खाना बनाने की। आपको जैसा भी खाना चाहिए वही सोफे पर बैठे बैठे मांगी, मैं ला दूंगी वहीं पर ला दूंगी। सबसे छोटी बहू ने भी सबक सीख लिया। फिर एक दिन जब मंझली बहू टीवी देखने में खोई हुई थी, तो पार्वती ने लाकर टीवी पर पानी ढोल दिया। ये देखकर, अयो ये आपने क्या कर दिया सासू माँ, आपने टीवी पर इस तरह पानी, ये टीवी है क्या, मैंने तो सोचा कि एक पौधे का गमला है, बस कुछ करने का दिल कर रहा था बहू। अरे आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, वो टीवी मुझे मेरे मम्मी पापा ने दिया था, पूरा का पूरा खराब कर दिया, अब से अपनी बागवानी को भूल जाइए, मैं कर लूंगी पौधों की देखभाल। इस तरह कुछ दिन बीत गए। पार्वती की बहन की योजना कारगर साबित हुई। तीनों बहुओं ने सबक सीख लिया और उन तीनों ने फिर आपस में घर का पूरा काम बांट लिया और खुशी खुशी घर के सारे काम करने लगी, साथ ही अपनी सास की देखभाल भी।